यस, हमें संसद क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? कि यहाँ पर है, हम भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि हम लोग प्राइड करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में लोकतांत्रात्मक गणराज्य में रहते हैं, जहाँ पर लोग जो होते हैं मिलकर अपनी जनता को, जो मिलकर होती है जनता, मिलकर अपनी सरकार का चयन करती है। यहाँ पर जो है हमारे, यही एक सबसे अच्छी बात है कि हम इस गणराज्य में रह रहे हैं, तो इस व्यवस्था का हम लोग एक हिस्सा, इससे पार्टी पार्ट है हम लोग। तो इस लेसन में हम लोग यही सोचेंगे और इस चीज़ का रिजल्ट निकालेंगे कि हम लोग जो गवर्नमेंट चुनते हैं, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें हमारा क्या रोल है एक आम जनता का, एक आम जनता का क्या रोल होता है इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, और इसमें जो हमारा रोल होता है उसके लिए नागरिकों की सहमति। नागरिकों की सहमति का मतलब है यहाँ पर बच्चों कि जो यहाँ की आइडियाज है, पब्लिक के जो आइडियाज है, आप उसको कैसे अपने वोट कास्ट करने के तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पार्लियामेंट जो है ये रिप्रेजेंट करने, आपके व्यूज और आपके आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है, और वो क्या करता है लास्ट में जाकर आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को तैयार करता है। तो यही है, और हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में आप सबसे इम्पॉर्टेंट यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो एक ह्यूमन के, एक नागरिक के, एक सिविलियन के, एक इंडियन के जो कर्तव्य है, जो विचार है, सभी आइडियाज जो है उसके, उनको हमारी डेमोक्रेसी के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। और सेकेंड थिंग आती है कि यही भी तर्क है, ये जो है एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स जो है हमारे जो व्यवस्था है इसकी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो लोकतंत्रात्मक हमारी जो व्यवस्था है उसका निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं, इसका बेस जो है वो किसके थ्रू बनता है, जो हमारी गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का जो बेस है, संसद का जो बेस है, वो हमारे क्या है, आइडियाज है। आइडियाज बनाते हैं और उन आइडियाज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर यह बात है कि इसमें सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है, और ये अभिव्यक्ति मतलब हमारे जो आइडियाज है, जो विचार है, उनको रिप्रेजेंट कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। देन यहाँ पर लिखा है, इस लेसन में हम लोग ये देखेंगे कि हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद जो है, वो देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए क्या बनाती है, अंकुश रखने में मदद देती है। जैसे कि देखिए इस लाइन में मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि जो पार्लियामेंट है इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वे में या इनडायरेक्टली वे में हम इसको चयन करते हैं। जो भी हमारे एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए जो है वो चूज होते हैं, चूज होने के बाद में क्या होता है बच्चों की उसको हम लोग कैसे हमारी सरकार बनाने में स्तंभ का काम करते, पिलर का वर्क करते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इसी आधार पर, इसी बेस पर हम लोग संसद जो कि पार्लियामेंट है उसको भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व, जो पार्लियामेंट हमने चुनी वो हमारी गवर्नमेंट का क्या है, एक तरह से एक पिलर, एक स्तंभ का काम करेगा। और इसी को चुनने का काम कौन करता है, भारतीय करता है, एक सिविलियन करता है। और यही प्रतीक जो है हमारे संविधान का, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक केंद्रीय तत्व, एक सेंट्रल एलिमेंट कहा जाता है। यस, अब फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है व्हाई शुड पीपल डिसाइड, कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि हम लोग इस चैप्टर में ये चीजें तो देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड, कि डिसाइड क्यों करते हैं पीपल्स की हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए और उसके क्या क्या व्यूज होने चाहिए। आपको पता है कि 1947 में, 15 अगस्त और 1947 में जब हमें फ्रीडम मिला, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया था। यहाँ पर ये चीज है, और इस स्ट्रगल में आप लोगों को पता है कि कितने रिवाइल्स हुए थे, कितने जो है क्रांतियाँ हुई थी और कितने तरह की परेशानियाँ सामने आई थी। और इस स्ट्रगल में जो है समाज के बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था बढ़ चढ़ कर, और तरह तरह की पृष्ठभूमि बनाई थी, पृष्ठभूमि के कई तरह के स्ट्रक्चर बना बनाकर देश को नए नए आइडियाज से, प्लानिंग से हमारे कंट्री को जो है, इंडिया को हमने क्या करवाया था, आज़ाद करवाया था, फ्रीडम दिलवाया था। तो ये स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। ये इनके जो आइडियाज थे, इनका क्या व्यूज था जिन्होंने हमारे कंट्री को आज़ाद करवाया था, इनका यही व्यूज थे कि हम लोग को एक तो इक्वलिटी मिले, एक जस्टिस मिले, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी, जब हमें ना तो इक्वलिटी थी, देखिए सबसे पहले तो क्या इक्वलिटी थी, ना तो एजुकेशन का राइट था, ना वोट कास्ट करने का राइट था, ना जस्टिस का राइट था, और ना ही कोई अदर राइट्स थे। वो ब्रिटिशर्स क्या था, अनइक्वली इंडियंस को गिनते थे।
लेकिन अगर वे इन फैसलों के अगर बिल्कुल अगेंस्ट होते थे और उनके खिलाफ जाते थे तो उन लोगों को क्या करना पड़ता था, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, बहुत स्ट्रगल सहन करने पड़ते थे उनके मतलब हथियारों से, उनकी मार से, उनकी चोटों से, कई तरह के अत्याचारों को सहना पड़ता था। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन ने ये सारी स्थिति को क्या किया, 1947 के बाद से ये सारी कंडीशन जो है बिल्कुल चेंज हो चुकी थी और लोगों ने क्या किया था कि जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की आलोचना करने के लिए, उनके अगेंस्ट जाने के लिए क्या किया था, इन्होंने बिल्कुल आवाज़ उठा दी और इन्होंने मांग करी कि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स को जो इक्वल राइट्स मिले हुए हैं वो इंडियंस को भी मिलने चाहिए। अब इन सब चीज़ों से हुआ क्या, 1885 में बच्चों क्या हुआ था कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये बोला था कि हमें भी क्या होना चाहिए, निर्वाचित सदस्य चाहिए, हमें भी जो है इलेक्टेड पर्सन चाहिए और वो जो वो इलेक्टेड पर्सन पर्सन जो है वो क्या कर सके कि पार्लियामेंट में बैठकर वो भी क्वेश्चनिंग कर सके, दूसरी बात जो बजट तैयार होता है उसमें उनका भी रोल होना चाहिए। लेकिन उससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि उनको कुछ तो राइट्स दिए लेकिन कुछ राइट्स में ये कहा था कि ना तो इनको बराबर वोट देने का अधिकार, सभी एडल्ट्स को वोट देने वोट कास्ट करने का राइट्स नहीं दिए गए और ना ही इनको कुछ डिसाइड कुछ निर्णय या कुछ डिसीजन लेने की पावर भी कुछ इंडियंस को नहीं दी गई था 1885 में। उसके बाद देखिए जैसा कि आपने हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ पर जो शासन था इसका ब्रिटिशर्स का जब यहाँ पर हमारे इंडिया में 47 से पहले जब शासन था तो तरह तरह के लोग जो है यहाँ पर आ रहे थे और वो जो थे कुछ हमारे इंडियंस जो थे जो हमारे कंट्री को क्या करवाना चाहते थे, फ्रीडम करवाना चाहते थे, आज़ाद करवाना चाहते थे, उन लोगों ने यह विश्वास था, उन लोगों को ये विश्वास था कि अगर इंडियंस चाहे तो अपने आप को न्याय करवा सकते हैं, अपने आप को न्याय दिलवा सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या कहा कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने का फैसला ले सकते हैं, कि मतलब लोगों में इतनी शक्ति है सोचने की और समझने की और करने की कि वो अपने जस्टिस के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं। तो यही है कि स्वतंत्रता मिलने पर एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, तो इसलिए इन्होंने कहा कि अगर स्ट्रगल हो ही रहा है, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो हम लोगों को भी उसमें क्या कर देना चाहिए, घूम जाना चाहिए। और यही हुआ कि जो सरकार चाहती थी जो कर सकती थी वो सरकार ने किया, किसने, ब्रिटिशर्स ने। इसके अलावा जो उनके अगेंस्ट थे हमारे इंडियंस जो थे उन लोगों ने भी इनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया था। अब इसका मतलब ये था कि सरकार को लोगों की जरूरत और मांगों के प्रति संवेदनशील बना रहना था। ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा था कि अगर ये पार्लियामेंट के लिए कुछ आवाज उठा रहे हैं, अगर ये लोग कुछ न्याय के लिए कर रहे हैं तो हम लोगों को इनके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो स्वतंत्रता कर्मियों के पर संघर्ष के सपने और आकांक्षा ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया कि भाई जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जस्टिस के लिए प्लस यहाँ पर अपने इक्वालिटी के लिए जो संघर्ष चल रहा था, जो स्ट्रगल था, उसके लिए यहाँ के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को एक सपोर्ट मिल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी हो गया कि हाँ वास्तव में ये जो इंडियंस है ये अपना स्ट्रगल बिल्कुल सही चीज के लिए कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि सभी को क्या मिल सके, वोट कास्ट करने का राइट ऑफ वोट कास्ट करने का एक अधिकार मिल सके। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि जो एडल्ट को जो वोट कास्ट करने का मतलब है कि देश के सभी जो नागरिक है कि हमारी कंट्री के जितने भी 18 इयर्स के बाद वाले जो 18 इयर्स के लोग हैं उनको सभी को क्या मिल सके, ये राइट मिल सके। अब है लोग और उनके प्रतिनिधि, सेकंड पॉइंट बच्चों हमारा आता है।
करती है और वही अपने आप को भी रिप्रेजेंट करती है। तो सहमति का मतलब है चाहे तो स्वीकृति और ये लोगों की हिस्सेदारी। अब मैं आपको कहती हूँ कि आज मैं आपको एक वर्क दे दूँ और आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि कल आपको डूइंग योर नोटबुक या आपकी नोटबुक में करना है, तो इसके लिए मैं आपकी सहमति चाहती हूँ। और सहमति का मतलब है कि हिस्सेदारी, हिस्सेदारी आपका क्या हिस्सा रहेगा कि आपको इस वर्क को कॉपी में करना है। तो ये क्या हो गया, आपकी स्वीकृति भी हो गई, सहमति भी हो गई, हिस्सेदारी भी हो गई। तो यही चीज है कि ऐसे अगर हम लोग देश में किसी पर्सन को इलेक्ट कर रहे तो मतलब हम हमारी स्वीकृति दे रहे, हम अपने उसको परमिशन दे रहे हैं, हम उसको इलेक्ट कर रहे हैं, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही चीज थी। और जो लोगों के जो डिसीजंस थे वो लोकतंत्र आपके सरकार का गठन करता है, किसका करता है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक निर्माण करता है। और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है वो हमारे इंडिया में सबसे अच्छी डेमोक्रेसी कहलाती है। उसी के पीछे आज हम एक स्वतंत्र नागरिक का जीवन जी रहे हैं। और यहाँ पर है कि कामकाज के फैसले जो है वो हम लोग ही करते हैं। कामकाज के फैसले का मतलब ये नहीं कि आप गवर्नमेंट को बताएंगे कि गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छे से खाना बनाकर पहुँचा दे, ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होगा कि आप जो अपने आइडियाज, अपने जो अच्छे देश की भलाई के लिए, अपनी कंट्री के फेवर में जो वर्क होगा वो आपको अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करने की छूट होती है। इस तरह की जो डेमोक्रेसी होती है उसके पीछे मेन आइडिया यही होता है कि व्यक्ति या नागरिक, वही मैंने आपको बताया एक पर्सन जो है उसका मेन रोल है। क्योंकि हम देश में रहते हैं, देश में रहने वाला एक एक पर्सन वोट कास्ट करता है और वो वोट कास्ट करके ही क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट बनती है। ये हमारे सारे क्या है, पर्सन से, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, वोट कास्ट किया। वोट कास्ट करने के बाद ये क्या बने, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बने और उसी के बाद में क्या बनी, हमारी पार्लियामेंट बनी। ओके, तो यही चीज यहाँ पर है कि सार्वजनिक स्थानों में नागरिकों की आस्था होनी चाहिए, सार्वजनिक स्थानों में हमारी रुचि होनी चाहिए, मतलब इन द सेंस कि पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस इन द सेंस जो हम हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है उसमें हम लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पर कि हाँ वास्तव में गवर्नमेंट आपके फेवर के लिए कुछ कर रही है तो आप उसको हेल्प कीजिए, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करने का दिमाग लगाइए। तो अगर व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है, अब आप लोग, आप ये थोड़ी कि आज मैं कहती हूँ कि सीएम या प्राइम मिनिस्टर है उनको जाकर आप कह दीजिए कि हाँ हमने देश को अच्छा बना दिया, ऐसे कहने से थोड़ी काम चलता है। तो आपका क्या रोल होता है कि हम कैसे अपने मंजूरी देते हैं, अपने कैसे आप अपनी हामी देते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि मंजूरी देने का एक तरीका क्या होता है, इलेक्शन। जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, उसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। वही चीज है कि लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोगों ने ये वोट कास्ट किए थे, ये वोट कास्ट होने के बाद में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बने और वो पार्लियामेंट क्या बन गई, हमारी संसद बन गई। तो यहाँ पर है कि लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। इन्हें निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है कि जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, ये इलेक्टेड पर्सन क्या होते हैं, यही हमारी क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसे आप राज्य सरकार कहते हैं, ठीक है। जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों को समूह का क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। इसी को ये जो है ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स ये क्या कहलाते हैं, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके। और संसद सरकार को नियंत्रित करता है तथा मार्गदर्शन करती है। संसद जो होती है ये किसको करती है, गवर्नमेंट जो होती है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, उनको आगे चलने का रास्ता दिखाती है। और इसी से क्या होता है, ये कंट्रोल पावर भी यहीं से होती है, ओके। तो इस लिहाज से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि सबसे पहले रोल किसका है, आप ही का रोल होता है, हमारा रोल होता है, अपना रोल होता है कि हम कैसे पर्सन को इलेक्ट कर रहे हैं। एक जो गुड पर्सन होता है, एक हमारे देश के लिए काम करने वाला पर्सन होता है, अगर हम उसे इलेक्ट करते हैं तो हमारी जो कंट्री है वो आगे तक क्या होती है, अच्छी चलती रहती है। अब आपने 6 और 7 की बुक्स में जो कुछ विषय पढ़े थे, इन विषयों के बारे में यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो आप इनको पढ़ेंगे और इनसे परिचित हैं, आप लोगों को पता है इनका क्या है। देन अब हम पढ़ेंगे संसद की भूमिका। संसद की भूमिका में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जो पार्टी